दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। चलिए सबसे पहले रुख करते दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, बात करें कल मतगणना हुई और एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है, हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बात करें दुर्ग की तो विजय बघेल जो वहां से प्रत्याशी है, उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मधु जी, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं, तो जब दुर्ग की बारी आती है, दुर्ग की बात होती है, तो एक हाई प्रोफाइल इलाके के रूप में भी देखा जाता है। जी हाँ, दुर्ग के लोकसभा क्षेत्र में ऐसे 8-9 विधानसभा हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो पाटन की खासकर, तो वहां से भूपेश बघेल की जीत हुई थी और विजय बघेल की हार हुई थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो उसी पाटन के इलाके से विजय बघेल को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं, वोट मिलते हैं, लोगों के द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से पूरे के पूरे संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र दुर्ग लोकसभा में आने वाले में जो मतदाताओं ने वोट दिए हैं, उसमें बढ़त जो मिली थी विजय बघेल जी को, वो 4,38,226 मतों का अंतर, इतने बड़े अंतर से, यानी कि इन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 3-3.5 लाख के अंतर से इन्होंने पिछले बार लोकसभा चुनाव जीता था, अब इस बार 4,38,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर एक नई इबारत लिखने की तैयारी में है। मैं जहां खड़ा हूं, यह विजय बघेल जी का ही वह निवास है, सांसद निवास है, जहां पर काफी संख्या में सुबह से ही लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महिलाएं आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं। एक बड़ी बात है कि विजय बघेल विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जिस कदर लगे हुए थे, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनसे इनका रूबरू होना, यानी कि 1-to-1 होना, बड़ा कामयाब तरीका साबित रहा। इसके पीछे यही कारण है इनकी जीत का कि ये हर कार्यकर्ता से मिले, उनसे बात की, आम जनता के साथ जहां मौका मिला उनसे चर्चा की और अपने जीत और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों और घोषणाओं के बारे में, वादों के बारे में चर्चा की, एक बड़ी बात है। उसके बाद अगर सरोज पांडे के बारे में बात करें, जो कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की रहने वाली, हालांकि उन्होंने चुनावी जंग कोरबा से लड़ा लेकिन उन्हें पराजय स्वीकार करना पड़ा, वहां उनकी हार हुई। और राजेंद्र साहू के बारे में बात करें तो जहां विधानसभा चुनाव में साहू जो समाज है, जो साहू समाज है, कुर्मी समाज है, उनके द्वारा अपने ही जात बिरादरी के प्रत्याशियों को ज्यादा वोट देने की बात आती है, तो वहां साहू समाज की का ही वोट राजेंद्र साहू को बहुत कम मिला। अब बड़ी बात है, यह जो समीकरण है ये तो हमेशा लगते रहेंगे, मगर अब जब बात आती है विकास की, बात आती है डेवलपमेंट को लेकर किए जाने वाले कार्यों की, और ऐसे प्रस्ताव जो संविधान में बेहद जरूरी हैं, उन्हें बदलना हो या नवीनीकरण या नया रूप देना हो, तो ऐसे में क्या बीजेपी ऐसा अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मधु जी, जी सुबोध जी, डबल इंजन की सरकार क्षेत्र में कितना विकास करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।